मेवाराम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। राजस्थान के कांग्रेस नेता मेवाराम के बाद एक कई अश्लील वीडियो सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, जिसके बाद पार्टी ने एक्शन लेते हुए मेवाराम को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। आदेश पत्र में लिखा है कि मेवाराम के अनैतिक कार्य से स्पष्ट होता है कि उन्होंने पार्टी के संविधान विपरीत आचरण किया है। बीते शुक्रवार से सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल हो रहे हैं। कहा जा रहा है वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति बाड़मेर का पूर्व विधायक मेवाराम जैन है। हालांकि अधिकारियों ने इन वीडियो पर बोलने से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने वीडियो संज्ञान में आने के बाद कुछ कहने की बात कही। इस मामले को लेकर अभी तक मेवाराम जैन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। वहीं कहा जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट में पीड़िता के बयान हो चुके हैं। पुलिस की जाँच कहाँ तक पहुँची है इसके बारे में कोई भी बयान जारी नहीं किया है। दरअसल इससे पहले मेवाराम के खिलाफ एक महिला ने 20 दिसंबर 2023 को जोधपुर में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने पॉक्सो सहित 18 धाराओं में मामला दर्ज किया था। पीड़िता का ये भी आरोप था कि जब मेवाराम विधायक था तो रसूख के दम पर उसने कार्रवाई नहीं होने दी, बल्कि मेवाराम ने मामला दर्ज कराकर पीड़ित को सेक्सटॉर्शन में गिरफ्तार करवा दिया था। अब पिछले दो दिन से कुछ अश्लील वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं, जो बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम की बताए जा रहे हैं। इसके बाद एक्शन लेते हुए कांग्रेस ने मेवाराम को निलंबित कर दिया। रेप पीड़िता ने जोधपुर के राजीव नगर थाने में पेश की रिपोर्ट में बताया कि आरोपी राम स्वरूप और मेवाराम जैन ने उसके साथ रेप किया और उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी अश्लील हरकतें की। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित महिला के खिलाफ पहले राम स्वरूप ने बाड़मेर की कोतावली थाने में महिला द्वारा ब्लैकमेल करा लाखों रुपए मांगने का आरोप लगाया है। जोधपुर में दर्ज मामले में पीड़िता ने बाड़मेर के दो पुलिस अधिकारियों समेत 7 लोगों के खिलाफ झूठे केस में फंसा कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मेवाराम की वीडियो वायरल होने के बाद में बाड़मेर शब्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करने लगा है। इस पूरे मामले में ज्यादातर लोगों के नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक शर्मसार कर देने वाली घटना है। न्यूज़ तक ब्यूरो।